शंभु बाबा भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबके नाथ हैं भंडारी, एक हाथ त्रिशूल एक में डमरू है धारी। प्रेम का यही संचालन करता संकट विघ्न हारी, पूजा तब करती है शिव की ये दुनिया सारी। अद्भुत वेशभूषा है इनकी है सबसे न्यारी, जटाओं से बहा कर गंगा धरा पे है उतारी। नरमुंड गले में माला है नंदी की है सवारी, त्रिपुण तिलक है माथे अर्ध चंद्र चमत्कारी। सारे ही संसार में शिव के गुण सब गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग के यही है स्वामी, संग में है ये घरबारी। दक्ष राज की पुत्री बनी है इनकी भागीदारी। सुंदर सुशील थी कन्या उनका नाम है सती, शिव शंकर से ब्याह रचाया बनाया इनको पति। जीवन संगी बनकर दोनों प्रसन्न हुए हैं अति, आनंद मंगल जीवन उनका चलता रहा गति। भोले जग संचालन करते सती देखे घर बार, पाक पवित्र पावन उनका चल रहा ये संसार। जंगल में मंगल भोले जब डमरू बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दक्षराज ने एक दिन घर जब हवन कराया था, सबको दिया निमंत्रण ना उनको है बुलाया था। इस बात का घर जब ये संदेश आया था, इस घटना ने सती मात को दुख पहुंचाया था। गम ये अपना जब सती ने शिव को बताया था, धैर्य रखने को कहा शिव ने ये समझाया था। सती सबर ना कर पाई है लगी थी वो रोने, हमको यूं क्यों भुला दिया है अचानक उन्होंने। मात सती से आंसू वो नहीं जाए छुपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सती हट करने लगी होने मायके को रवाना, ऐसा ना करने को शंकर चाहते थे समझाना। बिना बुलाए किसी को कहीं बिना चाहिए है जाना, नारी थी जिद कर बैठी थी जाने को ठाना। शिव तो चाह रहे सती वहां पे ना जाए, निमंत्रण हमको नहीं मिला है गए नहीं
हम बुलाए। सती ये कहने लगी हुई है पिता से भूल कोई, मैं तो उस घर जन्मी हूँ ना हूँ फिजूल कोई। शंकर फिर भी बार बार उनको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैसे ही वो सती मायके अपनी है पहुंची, सब भला बुरा कहे शिव को बात करे ऊंची। पिता ने भी ना बेटी से आंख मिलाई थी, देख के ऐसा बर्ताव वो तिल मिलाई थी। अपने पति की देखी वहां हो रही बुराई थी, शिव शंकर की निंदा को वो सह नहीं पाई थी। अकेली माता ही थोड़ी सी मिलने आई थी, बहने भी ना उनसे कोई मुस्कुराई थी। ना उठकर कोई भी उनसे मिलने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सती ने ऐसा देखा क्रोधित वो तो हो गई थी, घृणा की उस आग में सुध बुध वो तो खोई थी। सती ने तब उस हवन में है छलांग लगाई थी, नफरत की उस आग में खुद तो वो है जलाई थी। ऐसा मंजर देख के वहां सब थे घबराए, सती को ऐसे हालातों में अब है कौन बचाए। शंकर को तब जल्दी आने का संदेश दिया, शंकर ने भी तुरंत वहां तो आ प्रवेश किया। शिव जी अब इस घटना को तो सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बिखराया जल रही अपनी सती को कंधे पे है उठाया। तांडव करने लगे गुस्सा बेकाबू था आया, शव के अंश गिरे जहां है शक्ति पीठ कहलाया। प्रलय काल अब धरती पर है संकट था आया, सब देवों ने प्रयास किए हैं शिव को समझाया। खंडित अब तो हो चुका था वहां यज्ञ हवन, सारे डर के भाग गए सब खाली हुआ भवन। पत्नी वियोग में शंकर वापस लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हिमालय पर्वत के घर जन्मी फिर से है सती, नामकरण उनका हुआ है अब की पार्वती। हेमराज ये कन्या पाकर हुए हैं खुशी अति,
जवान हुई तब फिर से सूही मिले हैं उसको पति। लौट आया था फिर से उनकी खुशियों का संसार, बस गया था फिर से उनके तो सपनों का घर बार। संकट तो यह संसार में सब पर आता है, चाहे कोई आम आदमी चाहे विधाता है। घर गृहस्थी दोनों अब फिर से चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शंकर तो भगवान पूरे इस जग के, कोई भेदभाव नहीं है, बराबर है सबके। शिव तो इस संसार में ऐसे हैं भोले, हर किसी को वर देते बिना पे हैं तोले। वर की खातिर कोई भी इनसे आकर बोले, खाली नहीं लौटाते देते बिन आंखें खोले। जानता है भोलेपन को इनके सारा संसार, देव हो या दैत्य हो करते ना इनका। जो जितना भी तप करे फल उतना वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम शिव शंकर महादेव के बारे में बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शिव भगवान।